पोस्टर भी देखने को मिली। दरअसल पोस्टर में शिवराज सरकार की उपलब्धियां लिखी हैं। उसमें लिखा है, प्रियंका जी मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं, जहां पर 45 लाख लाडली लक्ष्मी हैं, लाडली बहना को 1000 रुपए मिल रहे हैं, किसानों को कर्ज माफी का झांसा नहीं है, ऋण ब्याज माफी का पैसा सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा गरीबी घटी है, विकास दर 19.76% है, तो वहीं बेरोजगार भत्ता का झांसा नहीं बल्कि सीखो कमाओ योजना है, और सबसे बड़ी बात, योजनाएं बंद नहीं बल्कि बेहतर हो रही हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, प्रियंका गांधी का दौरा है और प्रियंका गांधी के दौरे के साथ ही जो लगातार प्रियंका गांधी के स्वागत के पोस्टर दिख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे पोस्टर भी दिख रहे हैं जिसमें शिवराज सरकार की उपलब्धियां भी देखने को मिल रही हैं, तो क्या ये माना जाए अब पोस्टर वॉर भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है? देखिए, बहुत ही अलग राजनीति मध्य प्रदेश में इन दोनों हो रही, जहां पर एक तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रियंका गांधी का स्वागत करते हुए ग्वालियर में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे पोस्टर हैं जो वो भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ये झांसे की सरकार नहीं है बल्कि ये वादों की सरकार है, और जिस तरीके से हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। मध्यप्रदेश में 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियां हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहना है। मध्यप्रदेश के बुजुर्ग अब सड़कों पर नहीं चलते बल्कि हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना में शामिल होते हैं, तीर्थ दर्शन योजना करते हैं, कई तमाम जो ऐसी योजना है वो मध्यप्रदेश सरकार की उनको गिनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है आमतौर पर पोस्टर वार जब होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधा जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग तरीके की राजनीति है कि किस तरीके से आप स्वागत कर रहे हैं कि मुस्कुराइए प्रियंका गांधी, आप ग्वालियर में है, आप मध्यप्रदेश में है जहां पर योजनाओं को गिनाया जा रहा है, अलग अलग योजनाओं की जो विकास कार्य के जो मार्क है वो बताए जा रहे हैं, कैसे मध्य प्रदेश जो है गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन वाला प्रदेश बना है, अलग अलग योजनाओं की बात हो तो उनको तब तमाम योजनाओं को गिनाया, सड़कों का जाल कैसे बिछाया गया है, तो तमाम उन योजनाओं को गिनाया गया है जो खासतौर से 2018 में राहुल गांधी ने कई वादे किए थे, चाहे कर्ज माफी की बात हो या बेरोजगार भत्ते देने की बात हो, तो वही कहा गया है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देते बल्कि हम यहाँ पर ऐसी योजना लागू करते हैं जिनमें सीखिए और कमाइए। तो कई सरकार की योजनाओं के तहत जो अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं तो कहीं ना कहीं दौरे पर तंज कसा है, और 2018 की याद भी दिलाई गई है कि किस तरीके से कांग्रेस ने वादे किए थे जो लोगों को झांसे में लेने के लिए वो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान और नौजवान सभी लोगों को अलग अलग योजनाओं के तहत लाभ दिया है। दिनेश, चलिए शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी के दौरे पर ग्वालियर में अनोखे पोस्टर देखने को मिले हैं, जहां पोस्टरों पर सीएम शिवराज की जो उपलब्धियां हैं, शिवराज सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन योजनाओं को इस पोस्टर में दर्शाया गया है। और